अगर आप 10% निकालते हो, 10 रुपीज फेस वैल्यू, उसका 10% निकालोगे तो ₹1 आएगा। सो वी कैन से कंपनी इज पेइंग 10% डिविडेंड। नाउ हियर इट इज ऑल्सो रिटर्न दैट इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% नेक्स्ट ईयर। ये जो डिविडेंड है नेक्स्ट ईयर 10% से ग्रो होने वाला है। तो अभी आपको 1 रुपया मिल रहा है, उसमें भी 10% का इंक्रीमेंट होगा। तो 1 रुपये का 10% जिसे मैंने अभी आपको बताया, 1 रुपीज का अगर आप 10% निकालते हो तो वो होगा 10 पैसा, 0.10। तो नेक्स्ट ईयर आपको कितना मिलेगा? नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा 1.10। इस साल 1 रुपीज मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा 1.10। अच्छा, इसको आप मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दो 55 से, और आने वाले सालों में एक ग्रोथ कांस्टेंट रहने वाला है 10% से। तो हमने प्लस कर दिया 0.10, क्योंकि ग्रो होने वाला है एवरी ईयर 10%, कांस्टेंट ग्रोथ है। तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 12%। सो इन दिस वे, व्हेन द ग्रोथ इज गिवन इन द डिविडेंड कॉन्स्टेंट ग्रोथ, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। नाउ फ्लोटेशन कॉस्ट, व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? तो सी, व्हेन द कंपनी इज इश्यूइंग न्यू सिक्योरिटी, दैट मींस न्यू डिबेंचर, न्यू इक्विटी शेयर्स, एट दैट टाइम इट हैज टू मेक सम एक्सपेंसेस, इट हैज टू पे सम एक्सपेंसेस लाइक अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है? जब कंपनी के शेयर्स कंपनी इश्यू करती है तो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, मिनिमम शेयर्स मार्केट में से उसकी एप्लीकेशंस आना चाहिए। अगर वो मिनिमम एप्लीकेशंस नहीं आता है तो कंपनी अपने शेयर इश्यू नहीं कर सकती है। तो कंपनी क्या करती है, किसी बैंक को या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपना अंडर राइटर बनाती है, और ये अंडर राइटर्स जो होते हैं वो प्रॉमिस देते हैं कि इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन डज नॉट कम देन दे विल बाय कंपनी शेयर। तो उनके उनको हमें एक कमीशन देना होता है जिसे अंडर राइटिंग कमीशन दिया बोला जाता है, ब्रोकरेज फीस भी बोला जाता है, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे करना होता है, न्यू सिक्योरिटी इश्यू करना है तो उसके रजिस्ट्रेशन की चार्जेस लगते हैं, प्रॉस्पेक्टस इश्यू करेगी कंपनी, लोगों को इनवाइट करेगी, एक एडवर्टाइजमेंट करेगी, उसका प्रिंटिंग का एक्सपेंस लगता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस नए सिक्योरिटीज में लगते हैं, इनको फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट, तो आपको लिखना है कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज फीस, लीगल एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन फीस एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस इन केस ऑफ न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। तो फ्लोटेशन कॉस्ट से होता क्या है कि 100 रुपये का अगर शेयर है तो कंपनी को पूरा 100 रुपीज तो मिलेगा ही, पर उसमें से कंपनी फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देगी क्योंकि उतना रुपया उनका एक्सपेंस हो चुका है। मान लो एक शेयर के पीछे 5 रुपया खर्चा हुआ है तो 100 भले मिला, उसमें से 5 रुपया तो हमारा एक्सपेंस हो गया, तो हमें नेट कितना मिला? 95 ही मिला। तो न्यू इक्विटी में आपको फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो उस तरीके का भी एक्सरसाइज आ सकता है। Now let us take one exercise and try to understand flotation cost. Concept आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे दोनों चीजें आपको दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स एज वेल एज द न्यू इश्यू जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट होगा। तो यू कैन सी हियर इन द क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। एबीसी कंपनी लिमिटेड वॉन्ट्स टू इश्यू
20,000 न्यू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। तो कंपनी को 20,000 शेयर्स इश्यू करना है, फेस वैल्यू उसका ₹100 है। अब कितना शेयर इश्यू करना है वो हम नहीं लेंगे, हम फेस वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बिकॉज डिविडेंड इज पेड ऑन द फेस वैल्यू। तो ₹100 फेस वैल्यू है। द फ्लोटेशन कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू 5%। अच्छा, ये जो 100 है फेस वैल्यू, उसका 5% फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा, मतलब इश्यू के एक्सपेंसेस हो गए, रजिस्ट्रेशन फीस है, अंडरराइटिंग कमीशन है, पर शेयर 5% लगता है। तो 100 का 5% अगर आप निकालोगे तो ₹5 आएगा। तो कंपनी ₹100 तो रिसीव करेगी, उसमें ₹5 तो उसका एक्सपेंस हो जाएगा, दैट मीन्स कंपनी इज गोइंग टू रिसीव ओनली ₹95। द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹15 इन लास्ट ईयर। कंपनी ने ₹15 डिविडेंड दिया है लास्ट ईयर, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 7%, और आने वाले सालों में 7% से वो ग्रो होने वाला है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ दिया है 7% का। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दोनों आपको बता दिए ताकि आपको आइडिया आ जाए कि न्यू इश्यू में कैसे फाइंड करना है और एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स में कैसे फाइंड करना है। तो इन केस ऑफ न्यू इक्विटी शेयर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है, एंड फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज्यूमिंग दैट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 160 पर शेयर। तो ₹100 वाला हमारा फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर है, जिसकी अभी मार्केट में ₹160 प्राइस चल रहा है। अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो ₹160 में आपको ये मिलेगा। ओके अच्छा, जब कंपनी ने इश्यू किया था तो कंपनी ने ₹100 में इश्यू किया था। अब इस कंपनी का ये जो इक्विटी शेयर है वो अभी मार्केट में 160 में सेल हो रहा है। तो आप इस क्वेश्चन में देखो दो तरह का चीज आपको यहाँ पे बताया हुआ है। एक तो आपको बोला हुआ है कि कंपनी 20,000 नए शेयर इश्यू करना चाहती है, जिसकी फेस वैल्यू ₹100 है, फ्लोटेशन कॉस्ट ₹5 आएगा, 5%, 100 का 5%, ₹5 फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा। तो कंपनी को नेट अमाउंट 95 मिलेगा, नए इश्यू में ₹95 मिलेगा, क्योंकि ₹5 तो एक्सपेंस हो गया है। और हमें डिविडेंड ग्रोथ बताया है 7%, 7% से डिविडेंड ग्रो होने वाला है। अब दोनों का कॉस्ट फाइंड करने को बोला है, नए इश्यू का कॉस्ट कितना आएगा और एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर का कितना कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा, दोनों चीजें आपको पूछा हुआ है। मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का अभी 160 चल रहा है। तो चलो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। वहां पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था तो मैंने न्यू लिख दिया है, कॉस्ट ऑफ न्यू। तो पहले तो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड, जिसको आप डी लिख सकते हो खाली, डिवाइडेड बाय द नेट प्रोसीड प्लस ग्रोथ। अब देखो नेट प्रोसीड कितना मिलेगा, फेस वैल्यू 100 है, फ्लोटेशन कॉस्ट 5% होगा, तो कंपनी को ₹95 मिलेगा नए इक्विटी शेयर इश्यू करेगी तो। उस पे 100 वाले शेयर पे 95 इसलिए मिलेगा क्योंकि ₹5 तो एक्सपेंस हो गया कंपनी का, इश्यू का एक्सपेंस, जिसे फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू इश्यू में अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करते हैं तो क्या होगा, कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, लास्ट ईयर कितना डिविडेंड दिया था, तो ₹15, तो ₹15 इज द डिविडेंड, नेट प्रोसीड आ रहा है 95, और ये डिविडेंड जो है 7% से ग्रो होने वाला है। अच्छा 100 का 7% हमें ऑलवेज ₹1 पे काउंट करना है कि 1 का कितना होगा 7%। तो अगर आप 1 का 7% निकालोगे तो वो आएगा 0.07। ये जो 0.07 है ये इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज वी ऑलवेज कैलकुलेट ऑन 1 इन द फॉर्मूला, इट इज ऑलवेज ऑन द ₹1। तो 1 का 7% होगा 0.07। तो अब आपकी पूरी फॉर्मूला में फिगर सबने रख दिया है, ₹15 डिविडेंड है, ₹95 कंपनी को मिलेगा आने वाले सालों में, 0.07 मतलब 7% से ग्रो होने वाला है डिविडेंड। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका यहाँ बनेगा 22.78। आप कैलकुलेटर के ऊपर ट्राई भी करना, क्योंकि
यहां तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप 15 डिवाइडेड बाय 95 करना, जो आंसर आए उसमें 0.07 ऐड कर देना है, इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज मिल जाएगा आपका 22.78। तो यहां पे जो नया इक्विटी शेयर से उसकी कॉस्ट आएगी 22.78। अब एग्जिस्टिंग की अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, सो इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स वी डू नॉट टेक द फेस वैल्यू, वी हैव टू टेक द मार्केट प्राइस, बिकॉज मार्केट प्राइस इज 160 रुपीज एंड द फेस वैल्यू इज 100 रुपीज। सो इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, देन यू हैव टू सी द डिविडेंड विच इज गिवन बाय द कंपनी। कंपनी हैज गिवन द डिविडेंड ऑफ 15 रुपीज लास्ट ईयर ऑन 115 रुपीज, एंड दिस डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 7%। आने वाले सालों में 7% से डिविडेंड ग्रो होने के चांसेस है, तो आपको एक ग्रोथ रेट भी लेना पड़ेगा। डिविडेंड जो कंपनी ने पे किया है उसमें ग्रो होने वाला है, और इसकी मार्केट प्राइस क्या है वो देखनी है आपको। सो इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, K इज इक्वल टू डिविडेंड 15 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। देखो न्यू इश्यू होगा तो नेट प्रोसीड लोगे, एग्जिस्टिंग में आप मार्केट प्राइस लोगे। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स के लिए हमने मार्केट प्राइस इसलिए लिया है क्योंकि दिस वी हैव एग्जिस्टिंग, दिस शेयर्स आर विथ अस, और आने वाले सालों में हमको डिविडेंड मिलने वाला है। जबकि वो ऊपर वाला केस क्या था, नए इक्विटी शेयर था, तो नए इक्विटी शेयर में तो मार्केट प्राइस होगा नहीं, फर्स्ट टाइम इश्यू हुआ है तो वहां तो मार्केट प्राइस आपको मिलेगा नहीं। मार्केट प्राइस किसका होता है, जो शेयर मार्केट में ऑलरेडी सेल हो रहा है, तो जो शेयर मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है उसकी मार्केट प्राइस मिलेगी। न्यू इश्यू में तो मार्केट प्राइस मिलेगी नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम इश्यू हुआ है, तो वहां पे आपको कंपनी का नेट प्रोसीड लेना है। तो यहां पे 15 डिवाइडेड बाय 160 प्लस ग्रोथ रेट 7%, एक का 7% होगा 0.07, तो यहां पे आएगा 16.375। आप दोनों की कॉस्ट कंपेयर कर सकते हो, न्यू में ज्यादा आ रहा है और जो एग्जिस्टिंग है उसमें कम आ रहा है। ओके, तो दिस इज अबाउट डिविडेंड प्राइस अप्रोच। तो हमने आपको बताया है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के अलग अलग अप्रोचेस हैं, उसमें हमने डिविडेंड प्राइस अप्रोच की बात की, अलग अलग मेथड है जिसमें फर्स्ट मेथड हमने आपको बताया डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच में एक तो सिंपल वाला केस लिया हमने जिसमें हमने ग्रोथ नहीं लिया, जहां पे जीरो ग्रोथ एज्यूम किया है, मतलब डिविडेंड में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, एवरी ईयर मान लो 10% ही मिल रहा है। उसके ऊपर एक एक्सरसाइज कवर किया। बाद में मैंने आपको सेकंड अप्रोच बताया उसी में कि मान लो कांस्टेंट रेट से डिविडेंड ग्रो हो रहा है, मतलब एवरी ईयर कंपनी अपने डिविडेंड में कुछ 1% से ग्रोथ दे रही है, तो वहां पे फॉर्मूला आपकी हो जाएगी D1/P0+G, जहां पे P0 का मतलब होगा मार्केट प्राइस, G मतलब जो ग्रोथ होगा डिविडेंड में वो। इस फॉर्मूला को अगर आप समझते हो तो देखो डिविडेंड में जितना ग्रो होगा उस हिसाब से आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी में चेंज होगा। अच्छा, फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है तो नेट प्रोसीड में से हमें माइनस कर देना है वो, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट एक तरह का एक्सपेंस होता है, तो हमारी नेट प्रोसीड उतना कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था विदाउट फ्लोटेशन कॉस्ट, जिसमें 1 रुपया कंपनी डिविडेंड दे रही है, 10% से ग्रोथ होने का चांसेस है, तो कॉन्स्टेंट ग्रोथ होगा तो एवरी ईयर 10% से बढ़ेगा, तो 1 रुपीज उसमें 10% बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉस्ट निकलती है। फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने आपको बताया, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो नेट प्रोसीड आपका उतना कम हो जाएगा,
आपको उतना रुपया कम मिलेगा। न्यू इश्यू में फ्लोटेशन कॉस्ट आता है, एग्जिस्टिंग में तो आता नहीं है, इसलिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग में मार्केट प्राइस डायरेक्ट ले लिया है। और न्यू इश्यू में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने के बाद फेस वैल्यू में से आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करके बताया हुआ है। तो ये हो गया डिविडेंड प्राइस अप्रोच। अब सेकंड अप्रोच के ऊपर हम जा रहे हैं, एंड द सेकंड अप्रोच इज द अर्निंग प्राइस अप्रोच। तो देखो यहाँ पे डिविडेंड की जगह पर अर्निंग को कंसीडर किया गया है, अर्निंग पर शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर ने जो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो पर शेयर कितना अर्निंग हो रहा है। देखो अर्निंग एंड डिविडेंड बोथ आर डिफरेंट। डिविडेंड क्या होता है, जो कंपनी एक्चुअली शेयर होल्डर्स को देती है, और अर्निंग क्या होता है, जो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी को 100 रुपया प्रॉफिट हुआ हो, उसमें से 80 रुपीज डिविडेंड दे और 20 रुपया अपने पास रखे एज ए रिजर्व, तो 100 रुपीज अर्निंग है, 80 रुपीज डिविडेंड है और 20 रुपीज कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है। तो इस अप्रोच में ऐसा बताया है कि इक्विटी शेयर होल्डर को जो एक्चुअल डिविडेंड मिलता है उसकी जगह पे अगर उनकी कॉस्ट हमें फाइन करनी है तो उनका अर्निंग कितना हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली द अमाउंट विच इज लेफ्ट आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू द डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट, द रिमेनिंग अमाउंट इज द अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। उस अर्निंग को यहाँ पे कंसिडर किया गया है, डिविडेंड की जगह पे अर्निंग जो ज्यादा होगा डिविडेंड की कंपेरिजन में। इस अप्रोच के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अर्निंग पर शेयर है क्या। तो देखो अर्निंग पर शेयर क्या होता है, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद, डिबेंचर का इंटरेस्ट भी पे कर देने के बाद, जो प्रॉफिट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो उस टोटल प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड करोगे तो अर्निंग पर शेयर मिलेगा। अब ये अर्निंग पर शेयर जो होता है वो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता है। कंपनी क्या करती है, अपने फ्यूचर के लिए कुछ अमाउंट अपने पास रखती है। जैसे कि 100 रुपये का अर्निंग हुआ एक इक्विटी शेयर के ऊपर, तो उसमें से मान लो कंपनी ने 40 रुपीज डिविडेंड दिया और 60 रुपीज अपने पास रखा। अपने पास जो कंपनी अमाउंट रखती है उसे रिटेन अर्निंग बोलते हैं, उसे रिजर्व्स बोला जाता है। तो यहां पे टोटल अर्निंग को कंसीडर किया गया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए, इसलिए यहां इसका नाम है अर्निंग प्राइस अप्रोच। इसके पहले जो अप्रोच हमने पढ़ा उसमें डिविडेंड प्राइस अप्रोच था, जिसमें क्या है, टोटल अर्निंग में से इक्विटी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया गया उसको कंसीडर किया गया। जैसे कि 100 रुपया में से 40 रुपया डिविडेंड दिया तो वहां 40 रुपीज के ऊपर हम कैलकुलेशन कर रहे थे, यहां पे हम क्या करेंगे 100 के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। दोनों का ये डिफरेंस है। सो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज अर्निंग प्राइस मेथड। दिस मेथड एडहर्स द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन अर्निंग एंड द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज द डिस्काउंट rate that equates the present value of expected future earning with the net proceeds या तो current market price। यही चीज आगे दिया था, वहां वर्डिंग ऐसे थे that equates the present value of future dividend with the net proceeds या तो market price, जबकि यहां पे वर्ड है future earnings। So let us understand earning price approach विथ कॉन्स्टेंट अर्निंग। यहाँ एज्यूम किया है कि अर्निंग एवरी ईयर कॉन्स्टेंट है, मान लो 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया पर शेयर, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई पी। यहाँ पे ई का मतलब होगा करंट अर्निंग पर शेयर, दैट मीन्स अर्निंग पर शेयर, और पी का मतलब होगा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। इसके ऊपर वाले अप्रोच में डिविडेंड था तो वहां पे हम क्या लेते थे, डी लेते थे, ई की जगह पे डी डिविडेंड लेते थे, और डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड या तो मार्केट प्राइस लेते थे। यहाँ पे वही चीज है, डिविडेंड की जगह पर अर्निंग लेना है।
चलो अर्निंग प्राइस मॉडल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ई अपॉन पी, जो ऊपर अभी हमने बताया वही चीज है। अब एक कॉन्स्टेंट अर्निंग हमने एज्यूम किया, मतलब कोई ग्रोथ नहीं है इसमें, पर जैसे डिविडेंड प्राइस अप्रोच में हमने ग्रोथ देखा, इसमें भी हो सकता है। तो आपकी ये जो फॉर्मूला है ऊपर वाली वो थोड़ी चेंज हो गई, नीचे आप देख सकते हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ई अपन पी प्लस जी कर दिया है, जो ग्रोथ रेट है अर्निंग में, जो ग्रोथ होने वाला है वो। तो अगर ग्रोथ है तो ये वाला फॉर्मूला प्लस जी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर कॉन्स्टेंट अर्निंग है कोई ग्रोथ नहीं है तो आपको ऊपर वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है। क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा ग्रोथ है कि नहीं है, तो आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है और देखना है कि ग्रोथ दिया है या नहीं दिया है। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा। देखो एक एक्सरसाइज दिया है आपको समझाने के लिए कि अर्निंग प्राइस अप्रोच क्या है। कपिल कंपनी लिमिटेड हैज प्रपोजल टू एक्सपांड इट्स बिजनेस ऑपरेशंस फॉर व्हाट इट नीड्स फ्रेश इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। इस कंपनी को बिजनेस को एक्सपांड करना है और उसके लिए उसे ₹20 लाख का जरूरत है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ओके वंस अगेन, द कंपनी इज इन नीड ऑफ ₹20 लाख। Am I audible now? Yes, sir.